हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। आई एम अभिष्ट चित्तो एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनिमल टिश्यूज। एज वी नो, वी हैव लर्न, वी हैव स्टडीड थ्री चैप्टर्स ऑफ द नाइन्थ क्लास एंड द थर्ड इज गोइंग ऑन एनिमल टिश्यूज द लास्ट टॉपिक एंड इट विल बी फिनिश्ड टुडे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल टिश्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, एनिमल टिश्यूज जो हैं फोर टाइप्स के होते हैं, जस्ट एज epithelial tissues, epithelial tissues, muscular tissues, connective tissues and last nervous tissues। epithelial tissues जिसको हम epithelium भी बोलते हैं, epithelium tissues जो कि एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। इनके अंदर जो डिवाइड्स हैं इनको भी हम फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज व्हिच इज डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड इज कॉलमनर एपिथेलियम एंड द फोर्थ एंड लास्ट सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द एपिथेलियल डिसीज। जैसा कि आप जानते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यूज है जिसको हम सिंपल टिश्यूज भी कहते हैं, सिंपलेस्ट टिश्यूज, सिंपलेस्ट टिश्यू। सिंपलेस्ट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो एकदम सिंपल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर, जस्ट अबव द स्किन, जस्ट अबव स्किन के जस्ट ऊपर ही हमारे एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज का जो फंक्शन है वो है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है या डस्ट और जो भी जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको एंटर करने से रोकना। और जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसमें जो मेन फंक्शन इसका यही है कि इसको प्रोटेक्ट करता है, हमारी पूरी ग्लैंड को फॉर्म करता है। अभी एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है एनिमल टिश्यूज में? जो ये एनिमल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी के आउटर पार्ट में, जो आउटर लेयर होगी जिसको हम कह रहे थे लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ द कैविटीज, लाइनिंग ऑफ द माउथ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्किन, स्किन पे जो भी ग्लैंड बन रही है वो एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से ही बन रही है। अब इसके बाद आते हैं हम जो स्किन है, देन इसके ऊपर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के ऊपर जो ग्लैंड बन रही है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। तो कह सकते हैं इसको कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो फाउंड पाए जाते हैं किसमें? अबव द स्किन, जैसा कि मिल सकते हैं पहला पॉइंट। सेकंड है इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स आउटर, आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स की आउटर लेयर को फॉर्म करता है, जैसे कि किडनी, किडनी ट्यूबल्स, एल्वियोली, ट्रॉन्ची, मैनी ऑर्गन्स होते हैं उनकी आउटर लेयर जिसको हम क्या कहते हैं लाइनिंग। आउटर लेयर को हम लाइनिंग भी कह सकते हैं, लाइनिंग जो कि हमारी लाइनिंग ऑफ द कैविटीज, कैविटीज की लाइनिंग को भी फॉर्म करता है, जैसे लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ द रेक्टम, लाइनिंग ऑफ द एनस, एनीथिंग। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यूज है जो हमारे स्किन पर पाया जाता है, बस ये ध्यान रखना स्किन पर पाया जाता है, आउटर लेयर पर पाया जाता है, ये भी सिंपल है। देन जो एपिथेलियल टिश्यूज है अकॉर्डिंग ऑन द बेस ऑफ शेप एंड फंक्शन, शेप और फंक्शन के बेस पर जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो फोर पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड कॉलमनर एपिथेलियम, थर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
कोट सीलेटेड एपिथीलियम। देन पैराडम स्क्वैमस एपिथीलियम। स्क्वैमस एपिथीलियम जो कि आउटर लेयर पे पाया जाता है एपिथीलियल की, जैसे एपिथीलियल टिश्यूज है तो इनके फंक्शन जो है एपिथीलियल टिश्यूज से ही मिलते जुलते होंगे। देन स्क्वैमस एपिथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम जिसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है। जो लैंड कह रही इसे इसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट इसको हम कह सकते हैं द टिश्यूज विच फाउंड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन और विच फाउंड अबव द स्किन एंड देयर शेप इज एज हेक्सागोनल। ओके, एंड जब इसमें न्यूक्लियस भी होगा, जब सेल्स, जब एक जब जो सेल्स होंगे वो ज़्यादातर सेल जब मिलेंगे एक दूसरे से तो क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यूज को फॉर्म करेंगे। और जो टिश्यूज होते हैं वो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, सबने न्यूक्लियस हो गए न्यूक्लियस। एंड ये आपको पता ही है जो साइटोप्लाज्म होता है एपिडेंट डेंस साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। और जैसे हम देखते हैं इसके अंदर जो बैकग्राउंड मटेरियल जो फॉर्म होता है वो साइटोसोल की वजह से फॉर्म होता है। देन इसके में से एपिथीलियम पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद आता है क्यूबिडल एपिथीलियम। क्यूबिडल एपिथीलियम द सेल्स विच आर जस्ट एज अ क्यूब लाइक, जो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए जो टिश्यूज बनते हैं उसे कहते हैं क्यूबिडल एपिथीलियम टिश्यूज। क्यूबिडल एपिथीलियम टिश्यूज, क्यूबिड एपिथीलियम जो क्यूब लाइक शेप होती है सेल्स की उन्हें क्या कहेंगे, क्यूबिडल एपिथीलियम। बिकॉज जो ये जो क्यूबिडल एपिथीलियम कॉलमनर एपिथीलियम जो इसके पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन के बेसिस पे ये डिवाइड किए गए हैं। क्यूबिडल एपिथीलियम जिसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रिएशन, इसका मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन एंड एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब किसी भी चीज को हम एब्जॉर्ब कर लें, जैसे कि जस्ट एज थिंग, जब हमारी स्किन पे जब आप पानी कोट करेंगे या डाली कोट करेंगे अपनी स्किन पर, तो आप देखेंगे जो स्किन है वो स्किन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों? क्योंकि जो परमेबल है, परमेबल स्किन है हमारी, तो ये क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों? बिकॉज क्यूबॉडल सेल्स आर फाउंड ऑन द स्किन, ऑन द लेयर इज फाउंड बाय द क्यूबॉडल सेल्स मीन्स एपिथीलियल सेल्स। देन सिक्रेशन, सिक्रेशन क्या है, सिक्रेशन मीन्स किसी भी सब्सटेंस को सिक्रेट करना, हार्मोन्स को सिक्रेट करना, एंजाइम्स को सिक्रेट करना, किसी भी चीज़ को। देन एक्सक्रेशन किसी भी वेस्ट मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको थ्रू आउट कर देना फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल पार्ट्स। अब इसके बाद आते हैं हम कॉलमनर एपिथीलियम। कॉलमनर एपिथीलियम सेल्स, कॉलमनर एपिथीलियम सेल्स कह सकते हैं इसको हम, और कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यूज भी कह सकते हैं। कॉलमनर एपिथीलियल सेल्स कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेल्स हैं वो कॉलम की पार्ट में अरेंज होंगे, कॉलम की तरह अरेंज होंगे, इसे हम कह सकते हैं कॉलम एपिथीलियल सेल्स और कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यूज। कॉलमनर एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो कॉलम की शेप में अरेंज होते हैं, क्या होते हैं, कॉलम की शेप में अरेंज होते हैं। सो लेट्स सी, कॉलमनर एपिथीलियम कॉलम की शेप में, तो क्या हो गया कॉलमनर एपिथीलियम, उसमें न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया साइटोप्लाज्म, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म। अब इसके जो शेप है वो कॉलम लगे कॉलम की तरह अरेंज है। जो सेल्स होते हैं कॉलम में वो दीज आर मीन्स ब्रॉडर मीन्स दीज आर टॉलर देन ब्रॉडर, ये ज़्यादा ही टॉल होते हैं देन ब्रॉडर। इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है देन जो इसकी लंबाई है मीन्स टॉल वो ज़्यादा होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कॉलमनर एपिथीलियम। कॉलमनर एपिथीलियम जिसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। कॉलमनर एपिथीलियम का फंक्शन क्या होता है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। किसका फंक्शन है? कॉलमनर एपिथीलियम। ओके देन इसके बाद आते हैं सीलेटर एपिथीलियम जो कि वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सीलेटर एपिथीलियम में क्या होता है? जो कॉलमनर एपिथीलियम होते हैं सेल जो कॉलमनर एपिथीलियम होते हैं उसमें अगर आपकी थ्रेड लाइक आउटग्रोथ्स साइटोप्लाज्म में आउटग्रोथ्स आ जाए मीन्स जो थ्रेड आ जाए ऐसे और इनको हम कहेंगे सीलिया। और जिस सेल्स में ये सेल्स ऐसे अरेंज हैं और ये टिश्यूज बना रहे हैं टिश्यूज में जैसे ही ये सीलिया है तो इसको हम क्या कहते हैं? सीलेटेड एपिथीलियम। जिसमें जो साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ओवर द सरफेस साइटो कॉलमनर एपिथीलियम के सरफेस पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सीलेटेड एपिथीलियम। सीलेटेड एपिथीलियम जो कि ग्लैंड्स को फॉर्म करते हैं जो डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स होते हैं उनको। अब ये हो गया हमारा एपिथीलियल टिश्यूज कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं हम मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज जैसा कि जानते हैं जो मसल्स होती हैं जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होती हैं। अब जैसे कि मैं इसको वर्क कर रहा हूँ इसको रिमूव करने के लिए या रफ करने के लिए मुझे किसकी हेल्प मेन कर रही है? ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो मेरी हेल्प करने से करने में क्योंकि जो मेरा हैंड है वो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार पे। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। मसल्स हैं मेरे में मस्कुलर टिश्यूज है दैट्स वाई इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मस्कुलर जो कि थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टेटेड मस्कुलर टिश्यूज स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज कार्डियो मस्कुलर टिश्यूज स्टेटेड स्मूथ एंड कार्डियो। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यूज जो होता है वो हमारे में बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का वर्क करता है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में मसल्स है मस्कुलर टिश्यूज है। अगर हम मस्कुलर टिश्यूज को निकाल दें तो क्या हो जाएगा? स्केलेटन से आ जाएगा हमारे अंदर स्केलेटन की तरह जो किसी भी काम का नहीं है। लेकिन अगर हम स्केलेटन को निकाल दें तो हमारे अंदर मसल्स रह जाएंगे जो कि एक अनडेफिनेट शेप को परफॉर्म करेंगे अनडेफिनेट शेप बनाएंगे जैसे कि ना तो हम खड़े हो पाएंगे ना ही बैठ पाएंगे अनडेफिनेट शेप हो जाएगी। तो स्टेटेड एपिथेल स्टेटेड मस्कुलर टिश्यूज को हम इनको हम स्क्रिप्ट स्केलेटन एंड वॉलंट्री स्टेटेड मस्कुलर टिश्यूज को हम स्ट्रिप्ट स्केलेटन एंड वॉलंट्री मसल टिश्यूज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्टेटेड मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो डार्क एंड लाइट स्टेशंस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये आपका स्टेटेड एपिथीलियम जिसकी शेप कैसी होती है? सिलेंडर लाइक शेप होती है इसकी सिलेंड्रिकल। जो लाइट एंड डार्क स्टेशंस को शो करती है ये हो गया हमारा लाइट ये हो गया हमारा डार्क। लाइट एंड डार्क स्टेशंस इनको क्या कहते हैं हम? स्ट्रिएशन। लाइट एंड डार्क स्टेशंस को शो करती हैं जिससे कि इन्हें स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज को जो
जिसको हम स्केलेटल भी कहते हैं। स्केलेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉर्म करते हैं, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं जिसके लिए हम इसे स्केलेटन स्केलेटन मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। देन आते हैं हमारे वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है द ऑर्गन्स और टिश्यूज और द पार्ट्स विच वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे इसको समझिए, जो हमारे ऑर्गन्स या पार्ट्स कोई भी फंक्शन हो जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे हैंड्स, हैंड्स मेरे कंट्रोल में, फिंगर्स, माय माउथ एंड माय लिम्स एंड माय एयर्स, आईज मेरे कंट्रोल में, इसको मैं इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे वॉलंटरी। अब ये जो पार्ट्स हैं, इन्हीं पार्ट्स में कौन से टिश्यूज पाए जाएंगे? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज, जैसे कि मेरे लिम्स में, मेरे हैंड में स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज पाए जाएंगे, लिम्स में, देन फेस में, माउथ पे, नेक, नेक को ही मैं मूव कर सकता हूँ तो इसमें ही मेरे स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज पाए जाएंगे। तो ये जो भी ऑर्गन्स ऑफ पार्ट्स जिसको हम मूव कर सकते हैं, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारे पावर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज। ओके, ये बात समझ में आ गई। देन आते हैं हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज जो कि अनस्ट्रिप्ड होते हैं, अनस्ट्रिप्ड, जो लाइट एंड डार्क रिएक्शंस को, डार्क एंड लाइट स्ट्रेशंस को शो नहीं करते। देन स्केलेटल, और ये जो होते हैं टिश्यूज, ये वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री होते हैं। इट मीन्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इसके बाद आता है हमारा स्मूथ टिश्यूज, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज, जिसको हम अनस्ट्रिप्ड एंड इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कहते हैं। अनस्ट्रिप्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टिश्यूज होते हैं वो लाइट एंड डार्क रिएक्शंस को फॉर्म नहीं करते, डार्क लाइट और डार्क रिएक्शंस को शो नहीं करते, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड अनस्ट्रिप्ड। देन स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हार्ट, हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं, लंग्स, लंग्स हमारे कंट्रोल में है नहीं है, एंड एलिमेंट, होल एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि पूरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इसको ना तो मूव कर सकते हैं, ना ही कोई फंक्शन के लिए रोक सकते हैं, कि ना ही इसको हम फोर्स करते हैं, ना ही एम्फसाइज कर सकते हैं कि इसको वर्क करने की कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज। इस पर हमारा कौन सा पाया जाता है? स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज पाया जाता है। फिर इसके बाद है कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, जो कि वो सिंबल है, जो कि हमारे वॉल्स ऑफ द हार्ट, वॉल्स ऑफ द हार्ट में पाया जाता है। मीन्स हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उसको, जो जिससे वो टिश्यूज से फॉर्म होता है, वो हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, जो कि इनवॉलेंट्री है, कि हार्ट को हम कंट्रोल नहीं करते, सो दैट्स व्हाई इट इज इनवॉलेंट्री। ये जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है उस स्टेज से अनटिल द डेथ, तब वर्क करता रहता है, फंक्शन करता रहेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। जो कि हमारे थ्री मस्कुलर टिश्यूज, स्ट्रिप्ड, स्मूथ एंड कार्डियक। स्ट्रिप्ड क्या था? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज जो कि स्ट्रिप्ड थे, स्केलेटन एंड इनवॉलेंट्री जो कि हमारे कंट्रोल में थे, स्मूथ जो कि अनस्ट्रिप्ड एंड इनवॉलेंट्री है, कार्डियक इनवॉलेंट्री है। ओके, जिसकी जो स्ट्रेटेड जो मस्कुलर टिश्यूज है, जिसकी सिर्फ सिलेंड्रिकल लाइक होती है, सिलेंड्रिकल की तरह सेव होती है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज के। फिर इसके बाद आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, द टिश्यूज विच कनेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। जो टिश्यूज हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जॉइंट है, अब इस जॉइंट को कौन कनेक्ट कर रहा है? मस्कुलर, वो कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज हमारे दो पार्ट्स को, दो टिश्यूज को या दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। देन जैसे कि मेरी
फिंगर्स को आप देख सकते हैं, फिंगर्स में जॉइंट्स हैं जो किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है। कनेक्टिव टिश्यूज जो कि 5 टाइप्स का है, फर्स्ट एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज, फोर्थ है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गए, फोर हो गए, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनके बारे पढ़ लेते हैं पहले। पहले हमारा आता है एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट इज एडिपोज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे 5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कनेक्टिव टिश्यूज मैं आपको समझा चुका हूँ, द टिश्यूज विच कनेक्ट्स आर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दीज आर कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यूज। एंड कनेक्टिव टिश्यूज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इन द 5 टाइप्स, एडियोलो, डेंस, एडिपोज, फ्लूइड एंड स्केलेटल। ओके, स्टडी अबाउट इट। एडियोलो कनेक्टिव टिश्यूज, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज को भरने का वर्क करते हैं। कैविटीज, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू विच फिल्स द कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी का मतलब होता है कोई भी एक एम्प्टी स्पेस। जैसे कि हमारी बॉडी में जब भी कोई भी जगह पर एम्प्टी होगी, कैविटी होगी, तो उस कैविटी को फिल क्या करेगा? एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि पैकेजिंग, बाइंडिंग एंड फिलिंग का काम करता है। एलो कनेक्टिव टिश्यू जो भी जगह होगी, मीन्स ऑलमोस्ट होल बॉडी पार्ट में एलोलर कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड किए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में जब कोई भी पार्ट एक कैविटी होती है, कैविटी जैसे कि कोई भी स्पेस होगा या एम्प्टी जगह होगी, तो उसको फिल क्या करेगा? एलोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि एज अ फ्यू की तरह वहाँ पर बस जाता है या वहाँ पर उस कैविटी को फिल कर देता है। ओके, इतना ही ध्यान रखिए इसके लिए। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि क्लास 9th में इतना ज़्यादा बताया नहीं है, इस बुक में सिर्फ कुछ लिख दिया है बस, लेकिन काम का नहीं है वो क्लास 9 के लिए। तो इतना ही याद रखिए बस। एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कैविटीज को फिल करता है, द टिश्यूज विच फिल्स द कैविटीज इन आर बॉडी और द फिल्स द कैविटीज ऑफ द बॉडीज और पार्ट्स। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज विच आर डिवाइडेड इन मोर 2 टाइप्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज विच आर मोर डिवाइडेड इन टू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? द टिश्यूज विच कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करते हैं मसल्स टू बोन्स। कनेक्टिव टिश्यूज टेंडन्स होते हैं जो मसल्स मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करें, जो टिश्यूज मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करें उन्हें हम कहेंगे टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं वो वाइट फाइबर ऑफ कॉलेजन के बने हुए होते हैं। जैसा कि जानते हैं 3 टाइप्स ऑफ द फाइबर्स, 3 टाइप्स के प्रोटीन मैट्रिक्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, जिसके नेम है, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं। पहला हमारा कॉलेजन, वाइट फाइबर ऑफ कॉलेजन, सेकंड येलो फाइबर ऑफ इलास्टिन, थर्ड रेटिकुलर फाइबर ऑफ रेटिकुलिन। रेटिकुलर फाइबर ऑफ रेटिकुलिन, ये हमारे 3 टाइप्स के फाइबर्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। सो जो टेंडन्स है जो हमारे मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करते हैं, जो कि वाइट फाइबर ऑफ कोलेजन के बने हुए होते हैं। एंड वन मोर थिंग, टेंडन्स जो होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं, उसको आप इलास्ट नहीं कर सकते, स्ट्रेच नहीं कर सकते ज़्यादा,
जैसे कि हमारे इस जगह पर जब जो बोन्स होगी, जो बोन होगी, बोन क्या, इससे मसल्स, जो मसल्स है ये वो बोन से कनेक्ट होगी। ये मसल्स जब बोन से कनेक्ट होगी, बोन्स टू मसल्स टू बोन्स, जो मसल से बोन को कनेक्ट करेंगे वो इनइलास्टिक तो होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, टेंडन्स। टेंडन्स हमारे बोन्स टू मसल्स को कनेक्ट करते हैं, जो वाइट फाइबर ऑफ कोलेजन के बने हुए होते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो हमारे मसल्स टू मसल्स को ज्वाइन करते हैं, मसल्स टू मसल्स को कनेक्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लिगामेंट्स जो हमारे बोन्स बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहेंगे लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो हमारे बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करेंगे, जो कि इलास्टिक होते हैं, जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, इलास्टेबल होते हैं। जैसे हैंड्स को आप देख सकते हैं, मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ अच्छी तरह। दैट इज बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करने वाले क्या होते हैं, लिगामेंट्स, जो कि वाइट फाइबर ऑफ कोलेजन एंड येलो फाइबर ऑफ इलास्टिन, ये दो फाइबर्स के बने हुए होते हैं लिगामेंट्स। ओके, देन आते हैं हमारे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं हमारे बोन और कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज में, बोन एंड कार्टिलेज बोन, जैसे ही जानते हैं, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है, एक हार्ड मटेरियल बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है बोन्स। अब जो बोन है वो हार्ड है, फर्स्ट थिंग ये है। सेकेंड है, इसको हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को मूव नहीं कर सकते उस जगह से, जैसे कि ये है मेरा बोन, अब मैं इसके इस जगह से मूव कर सकता हूँ नहीं, लेकिन जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज को मैं कैसे मूव कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर, ये को मैं मूव कर सकता हूँ, ये देखिए कैसे मूव कर सकता हूँ, लेकिन बोन को मैं मूव नहीं कर सकता। अब जो बोन है, बोन में क्या होता है, जो कि हार्ड है, हार्ड होने के साथ साथ ये इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, इसके अंदर एक बोन मैरो होता है, बट कार्टिलेज के अंदर भी एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, कार्टिलेज के अंदर भी मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिससे कि हम इसको मूव कर पाते हैं। ओके, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज, ये हो गया, सिंपल था ये बहुत। देन इसके बाद आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, which is divided in two types, blood and lymph, blood and lymph। blood जो होता है, जैसे ही जानते हैं, blood एक RBCs से बना हुआ होता है, जिसमें RBCs होते हैं, WBC होते हैं and platelets होते हैं, जो सबके सब किस्म होते हैं, blood plasma में होते हैं। ओके, ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे कि आरबीसीज, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ओके, प्लेटलेट्स होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों किस्म होते हैं, ब्लड में होते हैं, जिसमें ये थ्री टाइप्स की प्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लोब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स एंड फिब्रिनोजन। ओके, ग्लोब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स एंड फिब्रिनोजन, ये थ्री टाइप्स की जो
प्रोटीन होते हैं उसमें ब्लड में पाए जाते हैं। देन जो ब्लड है, ब्लड का फंक्शन होता है बॉडी जो सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द बॉडी टू द बॉडी एंड इन द सर्कुलेशन में भी हेल्प करना। ब्लड का ये फंक्शन होता है। ब्लड जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है इन द ब्लड वेसल्स एंड इन ओ एवरी पार्ट में हमारा ब्लड पाया जाता है। देन इसके बाद है लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस होता है। ब्लड रेड कलर का होता है, उसमें आरबीसी ज़्यादा होती हैं एंड वन मोर थिंग आरबीसी रेड की होती है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाए जाने से जो ब्लड है वो रेड होता है। लिम्फ जो कि कलरलेस है और जो लिम्फ है उसमें स्पेशल काइंड की WBCs पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एक डिफरेंट टाइप्स की जो WBCs पाई जाती हैं लिम्फ में वो है लिम्फोसाइट्स जो कि फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं या डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में। फिर इसके बाद आते हैं हम एडिपोज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में एक और है कि जो WBCs पाई जाती हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में जो WBCs पाई जाती हैं WBCs जो हमारे फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया होता है जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसे सबसे पहले WBCs के अगेंस्ट फाइट करनी पड़ेगी। ओके जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का ही फंक्शन करता है। देन इसके बाद है कि जो WBCs हैं वो इम्यूनोसाइट्स, इसमें WBCs में इम्यूनोसाइट्स पाए जाते हैं। इम्यूनोसाइट्स जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए वो करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। अब इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज में जो सेल्स पाए जाते हैं वो हमारे एडिपोज सेल्स से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है। देन फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स एंड इम्यूनोसाइट्स, ये फाइव काइंड्स के हमारे WBCs या कनेक्टिव टिश्यूज में कनेक्टिव सेल्स पाए जाते हैं। ओके कनेक्टिव सेल्स फाइव टाइप्स के होते हैं, फिर से बता देता हूँ मैं। फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोसाइट्स। ओके ये हमारे फाइव टाइप्स के सेल्स होते हैं और ये फाइव टाइप्स के हमारे पास कनेक्टिव सेल्स होते हैं। अब आते हैं हम नर्वस टिश्यूज पे। हमने थ्री कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ लिया आधी चीज़, और इसके अंदर लिम्फोसाइट्स जो मैक्रोफेजेस कनेक्टिव टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। अब हम आते हैं एडिपोज टिश्यूज रह गया। एडिपोज टिश्यूज का सिंपल फंक्शन है जो एडिपोसाइट्स होते हैं उनको अपने वैक्यूल में क्या करना, स्टोर करना। एडिपोसाइट्स फैट सेल्स होते हैं, जो फैट होता है उसको हमारी बॉडी में स्टोर करना। अब ये जो फैट सेल्स है एडिपोज टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि हमारी फर्स्ट फंक्शन यही है कि इट इज़ नोन एज द रिजर्व ऑफ द फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स को रिजर्व करता है, स्टोर करता है। सेकेंड फंक्शन ये है कि जो एडिपोसाइट्स है ये हमारी बॉडी को, हमारी लिम्स और जो हैंड्स होते हैं बॉडी को एक शेप देता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से जो फैट नहीं खाते, जिसके वो फूड खाते हैं जिसमें फैट पाया नहीं जाता, उससे क्या होता है उनकी बॉडी कुछ फैट से हटी हुई होती है, फैट नहीं होता। और फैट नहीं होता तो उसकी जो रिब्स होते हैं, बोन्स होती हैं, स्केलेटन सब कुछ दिखाई देता है। तो एडिपोज टिश्यूज का मेन फंक्शन यही है कि हमारे बॉडी में एडिपोसाइट्स को स्टोर करना, हमारी बॉडी को एक शेप देना। देन जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो हमारे ग्लो द स्किन्स, उन्हें जस्ट ग्लो द स्किन में पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे फेस पे जो स्वीट ग्लैंड्स है उससे हमारा स्वीट सिक्रेट होता है। ओके एडिपोसाइट्स और एडिपोज टिश्यूज। देन इसके बाद हम नर्वस टिश्यूज के, नर्वस टिश्यूज Which helps in control and coordination.
नर्वस टिश्यूज जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यूज हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा मेन एंड इम्पॉर्टेंट टिश्यूज है। नर्वस टिश्यूज की वजह से ही हम अपने जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको परफॉर्म कर पाते हैं। जो नर्वस टिश्यूज हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर है, पूरी बॉडी में है, जो कि मेन टाइप में हमारे ब्रेन में है, जो ब्रेन को मैसेज करते हैं, ब्रेन को कमांड देते हैं, या ब्रेन तक मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, पहुंचाते हैं, जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है, फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल सोचिए, जैसे कि कोई भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं, देन व्हाइल गोइंग यू हैव सॉन अ डॉग एंड द डॉग इज सो क्लेवर एंड ही इज सो एंग्री ही कैन ऑल्सो बाइट यू। देन जो डॉग है जो आपको देख रहा है और बार करने लगा है, भौंकने लगा है, तो आप क्या करेंगे, डॉग की तरफ भागेंगे या डॉग से पीछे भागेंगे? अगर आपको कोई देखेगा कि जो डॉग की तरफ भाग रहा है तो वो तो ये कहेगा ये तो बुद्धि से पैदल है, या इसका जो न्यूरॉन है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो उसके नर्व सेल्स हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये हो गया। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यही है कि हर एक बॉडी को, हर एक बॉडी पार्ट्स को या हर एक फंक्शन को जो कंट्रोल करता है वो हमारा नर्व सेल। नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। जस्ट आई विल यूज़ द न्यूरॉन एज बिफोर द नर्व सेल। नर्व सेल जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर जो मूव कर रहा हूँ ये भी किसकी वजह से कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द नर्व सेल्स। तो ये मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं कि अब मुझे मूव करना है, मुझे अपनी हैंड्स को मूव करना है, क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे रीड करनी है, एनीथिंग वॉट एवर। सब कुछ किससे कंट्रोल होता है? नर्व सेल से, बोले तो नर्व टिश्यूज से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। अब जो नर्व टिश्यूज है इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा आता है, यहाँ तक कि जो ट्वेल्थ में जब आप बायो लेंगे तो बायो में जो नर्व का टिश्यू है, जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है, उसका डायग्राम बहुत आता है, तो उसको देख लेते हैं हम। ये कुछ ऐसे इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो हेयर्स की तरह होते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम टर्मिनेटिंग टर्मिनल ब्रांचेस, इन्हें कहेंगे हम टर्मिनल ब्रांचेस। ब्रांचेस जो कि एक ब्रांचेस की तरह इधर उधर फैली हुई है, ओके ओके, जिसमें कि एक सेल बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, सेल बॉडी। इसके साइड साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म जो कि एबिडेंट की फॉर्म में होता है। देन इसके बाद हम आते हैं इसमें जो एग्जोन जो कि मैसेज को, जो भी कमांड है या मैसेज है उसको ट्रांसमिट करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर। ये हमारा एग्जोन, एग्जोन, एग्जोन। अब ये पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे को हम कहेंगे माइलिन सीथ, माइलिन सीथ। इस पूरी जो ब्रांचेस है इसकी जो मैसेज को जब ये ट्रांसमिट करेगी इसे एग्जोन थ्रू, एग्जोन से थ्रू द सेल बॉडी से, सेल बॉडी से लेके ये यहीं से दूसरे सेल्स में जो दूसरा न्यूरॉन होगा इसी के पीछे उसमें ट्रांसमिट कर देगी, देन उससे थर्ड में चलाएगा, देन थर्ड से फोर्थ में। इसके बाद है
ये हैं, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ये पूरा आपका हो गया एक न्यूरॉन, एक न्यूरॉन हो गया आपका, जो कि मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करने से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन से हमको कमांड या कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि नर्व सेल्स के थ्रू, देन वी कुड परफॉर्म। जब हम अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, ओके और ये जो वर्क है वो कुछ ही सेकंड्स भी नहीं लगती हैं, थोड़ी ही देर में ये फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। नर्व सेल्स के बारे में पढ़ लिया हमने, अब आज हमने पढ़ा एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड द लास्ट सीरेटेड एपिथेलियम, चार टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा। मस्कुलर टिश्यूज में जिसके थ्री टाइप्स के थे, थ्री टाइप्स में कौन कौन से थे, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज एंड द लास्ट इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। देन थर्ड में हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यूज जो कि फाइव टाइप्स के थे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। ये फाइव टाइप्स के हमने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, जिसमें टेंडन्स एंड लिगामेंट्स भी थे, और बोन और कार्टिलेज भी थी, और ब्लड और लिम्फ भी थे। फिर नर्वस टिश्यूज के हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा है, जो कि ये न्यूरॉन का डायग्राम है, जैसे आप देख सकते हैं। तो आज हमने क्लास नाइन्थ का थर्ड चैप्टर फिनिश कर दिया, टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, और ये हमारा एनिमल टिश्यूज भी आज फिनिश हो गया। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फोर, डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू।